नमस्कार, स्वागत है आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में आइए नजर डालते हैं राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की अपडेट पर। जानकारी मिल रही है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। पन्ना एसिड अटैक मामले पर गृहमंत्री ने बयान जारी किया है। उन्हें घटना को हृदय विदारक बताते हुए साथ ही कहा कि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गृहमंत्री ने कांग्रेस पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एमपी में बदलापुर की पॉलिटिक्स कांग्रेस की ही देन है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ के 18 कर्मचारी जेल होकर आए हैं कांग्रेस सरकार। पन्ना एसिड अटैक के मामले पर गृहमंत्री मिश्रा का बयान सामने आया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि एमपी में बदलापुर की पॉलिटिक्स कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि उनके स्टाफ के 18 कर्मचारी जेल होकर आए कांग्रेस की ही सरकार। पहले तो इन्होंने कभी आरोप लगाए नहीं, बदलापुर इन्हें क्यों दिखता है। पिछले 15 साल में इन्होंने ऐसा आरोप नहीं लगा पाए। अभी इसलिए लगा रहे हैं कि मैं उसकी जीती जागती उदाहरण हूं। मेरा स्टाफ जो आपके सामने खड़ा है, ये सब जेल होके आया है बिना आरोप के। मेरे यहां 18 लोग जेल में गए, 6 तो पार्षद थे, जिनमें से एक दो पार्षद तो अभी यहां भी खड़े हुए हैं आपके पास। ये चुने हुए पार्षद कमल के फूल पर 302 के केस में झूठे जेल में भेजे गए। ये होता है बदलापुर। बदलापुर ये नहीं होता है कि आप अधिकारी से अभद्रता करो, वीडियो आपके वायरल हो, केस लग जाए तो बदलापुर कहलाए। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ गलत व्यवहार करे वो अच्छा नहीं है, वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो। कानून अपना काम करता है। हमारे साथ संवाददाता रिजवान खान जुड़े हुए हैं। रिजवान, एसिड अटैक को लेकर गृहमंत्री का बयान सामने आया है, साथ ही बदलापुर की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर भी कुछ टिप्पणी की है गृहमंत्री ने, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगा। एसिड अटैक को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित की आंख, आपका जो इलाज अभी भी चल रहा है, साफ तौर से आंख जो है अंदर से जख्मी नहीं है, नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है। और उसका चित्रकूट के नेत्र अस्पताल में इलाज चल रहा है, 24 घंटे आवर्षण में उसको जो है रखा गया है। साफ तौर से दूसरी तरफ जो राजनीति जो है मुकदमे को लेकर चल रही है, और यही कहना है कि बदलापुर की राजनीति जो है कांग्रेस ने की थी। स्टाफ के 18 लोग जो है कांग्रेस की सत्ता में जेल गए थे और झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया था। इससे पहले अभी जो है कांग्रेस की तरफ से जो 5000 से ज्यादा कर्मचारी और जो कांग्रेस कार्यकर्ता उनपे नेता जो है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इसको लेकर जो है गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है। जी शुक्रिया रिजवान।